सिर्फ आपके अपने हाथ में है, पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। कितने लोग मानते हैं ये बात सच है? सब मानते हैं, सब झूठे, सब झूठ बोल रहे हैं। कहां मानते हैं हम? बातें तो कुछ और करते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत बुरी है, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ में वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये चीज बदल क्यों नहीं रही है, होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। दो घर हैं आमने सामने, एक है छोटा सा फ्लैट 1 BHK, मिडिल क्लास फैमिली, और उसमें एक बच्चा रहता है। दूसरी तरफ उन्हीं फ्लैट्स के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, अ ह्यूज हाउस, बहुत बड़ा। वहां पर एक बिलियनेयर का बच्चा रहता है, मतलब कि अरबपति खरबपति आदमी है उसका बच्चा है। तो जब उस सड़क के बीच में खड़े होकर के हम इधर देखते हैं उस बच्चे को और फिर इधर देखते हैं, एक तरफ से एक बच्चा जा रहा है स्कूटर के ऊपर अपने पापा के साथ में बैठ करके, एक तरफ से वो बच्चा जा रहा है बड़ी सी मर्सिडीज में, वो भी एस क्लास, ऐसी वैसी नहीं, सामने एक शॉफर है, पीछे वो मजे से बैठा हुआ है और स्कूल जा रहा है अपना स्टाइल में। तो सबके माइंड में क्या आएगा एकदम से देखते ही? कि हाँ देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसकी किस्मत कितनी बुरी है। अब रियलिटी को देखते हैं, ये है हमारी इमेजिनेशन, अब रियलिटी क्या है उसको जरा पकड़ते हैं। ये जो बच्चा है बिलियनेयर का, उसका जो घर है बड़ा सा, उसमें एक बहुत बड़ी बैल्कनी है, वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है डेली शाम को 2-3 घंटे के लिए, और उस बैल्कनी में खड़े होकर के बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता है। और वो जो दूसरा बच्चा है जिसको हम सोच रहे थे कि जिसकी किस्मत खराब है, वो क्या करता है डेली शाम को 2-3 घंटे उसके जो अपार्टमेंट्स हैं उसके साथ में एक छोटी सी गली है जहां पर डेली शाम को 10-15 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और कभी पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, कभी पिट्ठू खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। और ये जो बच्चा है जिसकी किस्मत अच्छी है ऐसा दुनिया को लग रहा है, वो वहां पर अपनी बैल्कनी में खड़े होकर के उन बच्चों को देख रहा है। उसको वहां पर जाना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, एक दो वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है कि उनका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उनको ये सूट नहीं करता कि वो बच्चा जा करके ऐसे बच्चों के साथ में खेले, नंबर एक। नंबर दो, सिक्योरिटी इश्यूज है। नंबर तीन, उसको कहा गया है कि आपको घर में ही रहना है, बाहर जाना अलाउड नहीं है, इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, वो नहीं जा सकता। उसका मन बहुत है जाने का, बोलता है, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। तो वो क्या करता है डेली शाम को वहां पर खड़े होकर के उन बच्चों को खेलते हुए देखता है और कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन रोज उसकी आंखों के अंदर पानी होता है। बच्चे की नजर से एक दुनिया को देखने की कोशिश करो, अपनी नजर से नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, एक बच्चे को पैसे से क्या लेना देना है? सोचो बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है, पैसा या खेल? खेल। और वो ही उससे छीन लिया गया। उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है, मम्मी अपना किटी पार्टीज में बिजी है, फैक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसे जैसे पैसा आता है लाइफस्टाइल अपने आप ही चेंज होता चला जाता है, शॉपिंग है, ये है, वो है, सोसाइटी है, page 3 parties है, पता नहीं क्या क्या है, टाइम कहां है भाई बच्चों के लिए? तो उस बच्चे के पास ऑप्शन क्या बचा कि अपने से 50-50 साल बड़े आदमियों के साथ में जाकर के वो खेलता रहे घर के अंदर ही, चाहे घर जितना मर्जी बड़ा हो, क्या उसको मजा आएगा? खुशी छिन गई, हंसी छिन गई, और वहां पर खड़ा होकर के उन बच्चों को देखे जा रहा है और रोए जा रहा है, आंसू टपक रहे हैं रोज, उसके अंदर से तड़प रहा है कि मुझे खेलना है उनके साथ में, मुझे बाहर जाना है, मुझे किस पिंजरे में कैद कर दिया? सोने का पिंजरा है लेकिन पिंजरा तो है ना, कैद कर दिया है मेरे को यहां पर ला करके, बाहर नहीं निकलने दे रहे, मुझे खेलने नहीं दे रहे। ये हालत हुई पड़ी है उस बच्चे की। और वो जो दूसरा बच्चा है वो मजे से अपनी जिंदगी को जी रहा है, मजे से। अब बताओ किसकी किस्मत अच्छी है किसकी बुरी है? जो बिलियनेयर का बच्चा है उसकी किस्मत खराब है, उसके पास खेल नहीं है, उसके पास में मां बाप नहीं है, उसके पास खिलौने बहुत हैं, उसके घर में एक कमरा है जो पूरा का पूरा खिलौनों से भरा हुआ है, हजारों खिलौने हैं, और उस मिडिल क्लास वाले बच्चे के पास में सिर्फ 4 खिलौने हैं, लेकिन उन 4 खिलौनों का उस बच्चे में क्रेज है, उसमें इन हजारों खिलौनों का भी कोई क्रेज नहीं है। सोचो एक बच्चे के लिए इससे खराब किस्मत क्या हो सकती है कि उसके अंदर से खिलौनों का ही क्रेज निकल जाए। तो ये है अभी तक का सिनेरियो। अब इसको एक इस कहानी में हल्का सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं, हल्का सा मोड़ देते हैं इस कहानी।
वो जो बच्चा है मिडिल क्लास बैकग्राउंड का, वो भी बीच बीच में, पूरे टाइम नहीं, जैसे खेल रहा है, खेलते खेलते 2-3 घंटे के लिए खेला, खेलते खेलते थक गया, जा करके बैठा हुआ है, या क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी उसकी बैटिंग आने वाली है, बैठा हुआ है, तो बैठे बैठे वो उस बड़े घर की तरफ देखता है और उस बच्चे को वहां पर खड़ा हुआ देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितने बड़े घर में रह रहे हैं, कि हमारा ऐसा घर क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पापा के पास में स्कूटर क्यों है, मर्सिडीज क्यों नहीं है, इतना बड़ा घर क्यों नहीं है, घर के अंदर इतनी बड़ी लॉन क्यों नहीं है, इतने सारे नौकर क्यों नहीं है, इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, इतने सारे टॉयज क्यों नहीं है, अब किसकी किस्मत अच्छी है किसकी बुरी है, पकड़ो इस चीज को जहां मैं जा रहा हूं, ध्यान से देखो, दोनों की अच्छी है और दोनों की बुरी है। जिस वक्त हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं, तो हमारी किस्मत बुरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। ये पल पल का खेल है, एक एक सेकंड में किस्मत बदल रही है, और किसकी वजह से बदल रही है, इसकी जड़ क्या है, हमारे अपने ही डिजायर्स, हमारे अंदर जो डिजायर्स छुपे हुए हैं वो है सारी की सारी जड़। तो अगर हमें अपने डिजायर्स को बदलना आ जाए तो क्या होगा, किस्मत बदल जाएगी। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए यहां पर स्टेज पर, जिसका किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ में बहुत सीरियस अफेयर चल रहा हो और यहां पर आकर के वो थोड़ा बहुत शेयर करने में उनको प्रॉब्लम ना हो, कौन आना चाहेगा, आप आना चाहेंगे, आ जाओ। क्या नाम है आपका? अगस्टिन। yes. अच्छा, तो आपका लड़की के साथ है फिर है लड़के के साथ है? यार हंस क्यों रहे हो, पूछ लेना ठीक रहता है। तो अगस्टिन कितने टाइम से चल रहा है आपका अफेयर? 3.5 साल से। तो आप इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करना है, रियलिटी नहीं है, कि कल वो आपको डम कर देती है, ठीक है, इमेजिन करो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल है ना, हो सकता है आपसे बेटर कोई मिल जाए उनको, हो सकता है मैं इन दोनों के बीच में आ जाऊं। हाँ, तो वो आपकी अच्छी किस्मत होगी या बुरी किस्मत होगी, सोच के बोलना, कहीं ऐसा ना हो ये वीडियो देखने के बाद में सच में डंप कर दे। आप ही बोलोगे जो बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बताओ आराम से सोच लो। अगर वो किसी और के लिए इनको कल डंप कर दे, मतलब के छोड़ दे, तो ये इनकी अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत है, मैं बस इतना सा पूछ रहा हूं। एक मिनट, आप लोग मत बोलो, आपको कोई डंप नहीं कर रहा है, इनको कर रहा है, इनको बोलने दो। हाँ बताओ, अच्छी किस्मत है। भाई ये तो गया। आपकी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर? अभी नहीं है ना, मैं बताता हूँ जब ये वापस जाएंगे तो क्या होगा, मैं बताता हूँ। अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? शहीद हुआ। और रीजंस बताओ, अच्छी किस्मत के भी और बुरी किस्मत के भी। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं देखो, ध्यान से देखना, जहां इनका ध्यान गया पॉजिटिव की तरफ किस्मत अच्छी हो गई, जहां ध्यान गया नेगेटिव के ऊपर कि अब मैं क्या करूंगा, 3.5 साल से हम साथ में थे, मैं एकदम से अलग हो गया, तो ये अंदर से टूट जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे पूरी तरीके से,
देवदास बन जाएंगे, शुरू हो जाएंगे डेली लवली लवली, होता है लोगों के साथ में। तो ये है एक एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम क्या है, जैसे ही आपने इस सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखा, आप क्या हो रहे हो, अंदर से कमजोर हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, स्ट्रांग होते चले जा रहे हो। तो अब आप बताइए नेगेटिव साइड्स क्या है, नेगेटिव क्या है, सोचो आराम से सोचो, माइक पास ले लो, एक मिनट इनको बोलने दो, इनका ब्रेकअप हुआ आपका नहीं हुआ है। हाँ। बोलिए नेगेटिव साइड क्या है, है हर सिचुएशन की। देखो लाइफ में कभी भी ये मत सोचना मुझे सिर्फ पॉजिटिव देखनी है, पॉजिटिव भी देखो नेगेटिव भी देखो, लेकिन चूज करो पॉजिटिव को। ये करना है। तो आपने नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया अभी तक, मतलब उनसे अलग होने का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अच्छा कोई चांस ही नहीं है। बहुत बढ़िया, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ये जो फंडा अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में कि एक सिचुएशन की हम नेगेटिव साइड भी देख सकते हैं पॉजिटिव साइड भी, इसी सेम फंडे को आप कहीं पर भी लगा दो, अपने ऊपर लगाओ। हर इंसान के अंदर इस पूरी दुनिया में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। क्या कोई एक भी ऐसा इंसान है इस ऑडिटोरियम में, या ऑडिटोरियम छोड़ो पूरी दुनिया में, जिसके अंदर स्ट्रेंथ्स तो हो वीकनेसेस ना हो? तो हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। तो जब भी हमारा ध्यान अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ होता है तो हमारी किस्मत अच्छी होती है, और जब भी हमारा ध्यान अपनी वीकनेसेस की तरफ होता है तो हमारी किस्मत पूरी होती है। आसमान में एक पंछी उड़ रहा है, जब तक वो उड़ रहा है मजे से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर है। उसने मछली को पानी में तैरते हुए देखा और वो मछली बनने की कोशिश कर रहा है, उसका मन कर रहा है कि हाय मैं पानी में तैर क्यों नहीं पा रहा, मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूं, और मछली भी उसको देख करके यही सोच रही है कि मैं उड़ क्यों नहीं पा रही। जिस आदमी को देख करके आप सोच रहे हो ना, किसी 50 साल के आदमी को कि यार क्या लाइफ है, बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना ये है इतना वो है, वो पता है क्या सोच रहा है उस समय आपको देख करके? अगर आपकी एज है मे बी 20-25 साल, आप एक स्टूडेंट हो, आपको देख करके वो मनी मन सोच रहा है कि काश मेरे सर पे भी ये बाल होते। कि काश मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी होती, इतना एक्साइटमेंट होता जो इसके अंदर है। काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते, काश मेरी भी ऐसी लाइफ होती, काश मैं वापस से उस टाइम में चला जाऊं। जब भी वो ऐसा कुछ सोच रहा है तो उसकी किस्मत खराब है। और जैसे ही उसने ध्यान दिया कि मेरे पास में क्या है, बिजनेस है, तो इस बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ करूं, पूरे पैशन के साथ करूं, जो इंप्लॉइज है उनके बारे में सोचूं, इस दुनिया के बारे में सोचूं, क्लाइंट्स के बारे में सोचूं, इस दुनिया में आकर के सिर्फ अपने बारे में सोच करके जाना नहीं है, मरना नहीं है, बल्कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है। कि अगर आप आए हो इस दुनिया में, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जिंदगी का मकसद क्या है, यही मकसद है भाई, आप इस दुनिया में आए हो, अगर आपने किसी एक भी इंसान की लाइफ थोड़ी सी बेटर बना दी ना, थोड़ी सी आपकी वजह से किसी के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ गई, किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ गई, तो समझ जाओ आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो। इसके अलावा कुछ नहीं है। कितने लोग मैरिड हैं यहां पर? मैरिड हैं। अब देखो कितना आसान है ये चीज समझना कि जहां आपने अपनी वाइफ की बुराइयां देखनी शुरू करी, बुराइयां हैं उसके अंदर, है या नहीं है? है। अच्छा आप हंस रहे हो, है सबके अंदर है, और पता नहीं कितनी है, पता नहीं कितनी है। जहां आपका ध्यान अपनी वाइफ की बुराइयों की तरफ गया, आपकी किस्मत फूट गई। लोग समझ नहीं पा रहे खेल को, लोग समझ नहीं पा रहे, वो पता है क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं उस सामने वाले बंदे की तारीफ करूंगा या उसकी अच्छाइयों को देखूंगा तो उसमें उसका फायदा है। समझो, बारीकी से समझो, आप उस पर एहसान नहीं कर रहे उसकी अच्छाइयां देख करके,
आप अपनी किस्मत को अच्छा कर रहे हो उसकी अच्छाइयां देख करके। आप उसकी अच्छाई देखने से उसकी किस्मत तो बाद में अच्छी होगी, पहले आपकी खुद की किस्मत अच्छी होगी। समझो, आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आएंगी, आपको अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके अंदर से गुस्सा निकल जाएगा, आप शांत हो जाओगे, आप खुशी से झूम उठोगे, फिर आपको सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखने लग जाएगा। थॉट प्रोसेस है ना, जहां डायरेक्शन दे दी थॉट्स तो वहीं चलने लग जाएंगे। जहां आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हुआ अनलिमिटेड है, नेगेटिव दिखना शुरू हुआ अनलिमिटेड है। अब चॉइस आपकी है कि कब तक नेगेटिव देखना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पॉजिटिव देखो, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप देखो ना नेगेटिव देखो, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी क्या है कि अगर आपने एक साल तक किसी दूसरे इंसान की नेगेटिव क्वालिटीज को देखा, किसी सिचुएशन की नेगेटिव साइड को देखा, अपनी वीकनेसेस को देखा, अपने फेलियर्स को देखते रहे और उसकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखा, तो जब तक भी आप देखोगे एक साल तक, दो साल तक, दस साल तक या पूरी की पूरी जिंदगी, तब तक आपकी किस्मत फूटी हुई है, बेकार है, किस्मत खराब है। अपने अंदर झांक करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और जहां एक सेकंड लगेगा आपको, एक सेकंड, दस साल बाद आप जाग गए एकदम से, मेरी ये वीडियो देखी और आपको एक खेल समझ आ गया, अच्छा इसका मतलब मेरी किस्मत बाहर किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं कर रही, मेरे अपने नजरिए पर डिपेंड कर रही है, तो मैं क्यों ना बदलूं अपने नजरिए को। मैं बदल रहा हूं अपने नजरिए को। मैं कोई जानवर नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं चॉइस ले सकता हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे चूज करने से नहीं रोक सकती। मैं देखूंगा इसकी पॉजिटिव साइड को, इस सिचुएशन की। दुनिया देखती है नेगेटिव को, देखने दो, मैंने पॉजिटिव चूज किया। तो 10 साल तक आपकी किस्मत खराब थी, एक सेकंड में आपकी किस्मत अच्छी हो गई, एक सेकंड में सब बदल गया। नजरिए का खेल है। अब मुझे बात करते करते ना एक बड़ा मजेदार सा आइडिया आ रहा है कि किस तरह से दुनिया देखती है और किस तरह से मैं देख रहा हूं इस दुनिया को, अगर उसको आपको लाइव यहां पर दिखाना हो, उसके लिए मुझे दो वॉलंटियर्स चाहिए। आई नीड, एक मिनट, पूरा सुन लो क्या करना है। मुझे दो वॉलंटियर्स चाहिए जिनकी जेब में कम से कम 5,000 रुपए हो। और पूरा सुन लो एक मिनट पूरा सुन लो। आप वो 5,000 रुपए लेकर के यहां पर आओगे, हम यहां पर एक गेम खेलेंगे, अगर आप जीत गए, अगर आप जीत गए तो आपको, ध्यान से सुन लो कि होगा क्या, कहीं बाद में मुझे गालियां निकालो, अगर आप जीत गए तो आपको 5,000 रुपए का 10,000 रुपए मिलेगा, और अगर आप हार गए तो 5,000 रुपए गया, 5,000 रुपए गया। आप बताओ कौन आना चाहेगा, कुछ लोग वापस हो गए, आप बताओ कौन आएगा, आ जाओ, दो लोग, बस दो लोग चाहिए। है आपके पास में 5,000 रुपए? यस, दिखाओ। अरे वाह, इनके पास तो बहुत है। आई थिंक अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, 10,000 कर देते हैं। 10,000 का जुआ कौन खेलना चाहेगा? एक का दो। ठीक है, तो अब आप भी लाए हैं 5,000 रुपए, देंगे मेरे को? अच्छा, 10,000 रुपए लगाने को तैयार हैं आप या 5,000? जितना आप कहेंगे उतना ही करेंगे। आप बोलो, आप तो प्रोफेशनल जुआरी लग रहे हो। अरे आप बोले जितना, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, अपना दिल थाम के बैठिए। भाई और बहनों, आपके सामने एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जमूरा आपको एक ऐसा खेल दिखाएगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं, सिर्फ दो लोग। अच्छा, आपको भी खेलना? 40,000 भाई, यहां तो लग रहे लोग मुझे खरीदने आ गए। तो मुझे सिर्फ दो लोग चाहिए। कौन वो दो लोग जो यहां पे 10,000 रुपए लगाने को तैयार है? तैयार हो आप? ठीक है, दो, 10,000 रुपए दो। कोई बात नहीं, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। और ये मजाक नहीं हो रहा है, सच में जो गया सो गया, वापस नहीं आने वाला। अच्छा, मुझे एक सिक्का चाहिए। किसी के पास में कॉइन है 1 रुपए का या कोई भी ऐसे? आ गया, देख लो जी, ये हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है ना? 10,000 रुपए।
गिनने की जरूरत तो नहीं है ना? गिन लीजिए। नहीं, आप प्रोफेशनल लग रहे हो। ये गए मेरी जेब में। मेरा मन कर रहा है लेके भाग जाऊं। सेशनेशन तो होता रहेगा, 20,000 रुपए तो आ गए। ओके, देखो खेल सिंपल है, हम टॉस करेंगे, जो जीता उसके पैसे डबल, जो हारा उसके पैसे गए। सिंपल है, डेस्टिनी, किस्मत। अभी देखते हैं किस्मत का खेल क्या होता है। ये टेल है, ये हेड है। बोलिए, हेड आपका, टेल। शुक्र है दोनों ने हेड नहीं मांगा, नहीं तो मेरे को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते दोनों को। देख लीजिए, हेड आया। मुबारक हो, आप हार गए। ये लीजिए सर, ये आपकी अमानत। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? हरिदास। हरिदास, हरिदास, नाम हरिदास और काम जुआ। आपका क्या नाम है? वसंत। वसंत, कैसा लग रहा है आपको ये सब हुआ जो आपके साथ? दिन अच्छा हुआ है, थोड़ा सा खराब हो गया? थोड़ा सा खराब हो गया। इस उम्मीद में मत रहना कि ये पैसे वापस मिलने वाले हैं। कहीं आपको लग रहा हो कि ये वापस मिलेंगे? क्यों दे दूं? अरे पहले ही बात हुई थी भाई, लाइफ में मिलता है क्या दोबारा से वापस? आपकी मर्जी, आप देना चाहें तो दे दीजिए, वापस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वाइफ के जैसे है, वो भी यही करती है। एक बार उसके हाथ में पैसे पहुंच गए, देती नहीं है वापस। दे दीजिए। थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी अभी आपने ये जो देखा, इसमें किसकी किस्मत बेटर लगी आपको, इनकी, हरिदास जी की या दूसरों वालों? हाँ, हरिदास जी की। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं खेल को, कि अभी एक बार टॉस हुआ और ये 10,000 रुपए जीते। सोचो यहां पर 5 बार टॉस होता और 5ों बार हरिदास जी जीत जाते और जो दूसरे हैं वो हार जाते, तब हम क्या कहते? किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी किस्मत बुरी है? किसकी किस्मत बहुत अच्छी है और किसकी किस्मत बहुत बुरी है, फूटी हुई है? हरिदास जी, ऐसा ही है, जीत गए भाई, कुछ किए बिना 50,000 रुपए जेब में डाले और निकल लिए, और क्या चाहिए? ऐसा ही है। ये है 99.9999999% लोगों का नजरिया। तो अब देखो मेरे नजरिए से कि किसकी किस्मत अच्छी है और किसकी किस्मत खराब है। 5 बार हरिदास जी जीत गए जुए के अंदर नॉन स्टॉप, इतनी सारी जनता के सामने, इतने सारे लोगों के सामने, सोचो उनके दिमाग में जा करके क्या बैठेगा। एक सिंपल सी चीज देखी जाए तो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि मेरी किस्मत अच्छी है। इस दिन को वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे, भुला नहीं पाएंगे। बैठ गया, और इनके दिमाग में क्या बैठ गया कि जुए में मेरी किस्मत खराब है। और अगर आप मेरी नजर से इस दुनिया को देखोगे तो किस्मत अच्छी किसकी और खराब किसकी है पता है? जो आदमी को यह गलतफहमी हो गई है, अब इसको ध्यान से सुनना, जिस आदमी को यह गलतफहमी हो गई है कि जुए में मेरी किस्मत अच्छी है, उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। उससे खराब किस्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है भाई। आपको लग रहा है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। जितने भी गैम्बलर्स हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरह की गैम्बलिंग करते हैं, बहुत है। कोई सट्टा लगाता है, कोई कैसीनो में जाकर के गैम्बलिंग करता है, कोई ताश खेलता है, कुछ भी करता है। उनकी शुरुआत कहां से हुई, बनते कैसे हैं लोग, सोचो, दिमाग लगाओ। खेला, जीत गए। दूसरी बार खेला, जीत गए। तीसरी बार खेला, जीत गए। चौथी बार खेला, जीत गए। 4 दिन तक जीत गए, 7 दिन तक जीत गए। क्या गलतफहमी बैठ गई दिमाग में कि मैं जीत सकता हूं? और जुए में आज तक इस पूरी दुनिया में कोई भी जीत पाया है? यस और नो? तो क्या होगा, उनको लत लगनी ही लगनी है। जिसके अंदर ये गलतफहमी आ गई, ये लालच बढ़ गया, ये किस्मत की गलतफहमी हो गई कि मेरी किस्मत अच्छी है, वो फंस गया। जबकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम कर रहा है वहां पे, ये साइंस है,
कोई किस्मत नहीं है, लॉ प्रोबेबिलिटी है, इनका 5 बार आया है, इनका भी आ सकता था। दिस वॉज सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि हमारी किस्मत कोई दूर आसमान में भगवान बैठा हुआ है वो लिख रहा है। सोचो अगर ये बात सच है तो कितना बड़ा मजाक है। सोचो कि वो भगवान जो इस पूरी की पूरी दुनिया को चला रहा है वो इतना वेला है, उसके पास में कोई काम ही नहीं है, वो वहां पर बैठ करके ये टॉस को देख रहा है, मेरे हाथ को देख रहा है, सिक्के को देख रहा है और वेट कर रहा है कि कब मैं सिक्का उछालूं और वो डिसाइड करे कि हेड आना चाहिए टेल आना चाहिए। सोचो इस गलतफहमी में मत रहो कि कोई है जो आपकी किस्मत का फैसला कर रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं। जैसे हमने चूज किया अच्छा हो गया, इसी को कर्म बोलते हैं। ये चॉइस ही कर्म है। जहां आपने अच्छी चॉइस करी अच्छा कर्म किया, जहां आपने बुरी चॉइस करी बुरा कर्म कर दिया, तो बुरा फल मिलना ही मिलना है और 10 साल बाद नहीं मिलना जो लोग सोचते हैं। यह नहीं है कर्म का खेल कि आज आपने कोई अच्छा कर्म किया उसका 10 साल बाद आपको अच्छा फल मिलेगा या आज आपने बुरा किया आपको 10 साल बाद बुरा मिलेगा। आपने एक बुरी चॉइस करी फल मिलना शुरू। आज से हजारों साल पहले वेदों में एक बात कही गई थी और अगर हो सके तो इसको अपने अंदर तक जाने देना। इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल। वो लोग जो सच को एज इट इज देख रहे थे बिना किसी फिल्टर के बिना किसी लेयर के, उन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा। इसका मतलब क्या है? जैसी आपकी नजर है वैसी ही ये दुनिया है। जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देख रहे हो ये दुनिया वैसी ही आपको नजर नहीं आ रही है, ये दुनिया वैसी ही है आपके लिए। आपके पड़ोसी के लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन आपके लिए सच यही है कि आपकी दुनिया भाई ऐसी ही है। तो सॉल्यूशन क्या है? एब्सोल्यूटली सिंपल, बहुत आसान है। करना क्या है? अपने नजरिए को बदलना है कि अगर बाहर इस दुनिया को बदलना चाहते हो जिसको आप कभी नहीं बदल सकते तो उसका ऑप्शन क्या है? अपने नजरिए को बदल दिया, बाहर कुछ ना बदल करके अपने आप को अंदर से बदल दिया, दुनिया बदल गई। हमको अपने नजरिए को बदलना है। नजरिया क्या है? आपके बिलीव्स हैं, आपकी आदतें हैं। बातें सुन ली बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन आदतें नहीं बदली तो दुनिया कैसे बदलेगी? आपकी जो दुनिया है वो कैसे बदलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमको जड़ तक जाना है कि ये नजरिया हमारा बना कैसे। जब हमको ये समझ आएगा तभी तो हमको समझ आएगा कि इसको बदलना कैसे है। दो खिड़कियां हैं जहां से नजरिया बन रहा है, आंखें और कान। जो भी कुछ आज तक आपने सीखा है समझा है वो और कहां से सीखा? देख करके और सुन करके। जो भी हम देखते हैं जो भी हम सुनते हैं अब हम चाहें या ना चाहें उससे रिलेटेड थॉट्स हमारे माइंड में घूमने लग जाते हैं। आप चाहो भी तो उसको रोक नहीं सकते। न्यूज चैनल पे जा करके आपने कोई एक न्यूज देखी जिसकी बात हो रही है चारों तरफ, आपने अखबार में जाकर के पढ़ा, उस न्यूज चैनल में जाकर के देखा और सुना, आप नहीं भी चाहोगे तो अगले 3 दिन तक 4 दिन तक 10 दिन तक उसी से रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में घूमने लग जाएंगे। होता है नहीं होता है? तो हमारा कंट्रोल है कहां पर? थॉट्स पर नहीं है, यह बात समझ आती है। एक्शंस पर भी नहीं है, यह भी बात समझ आती है, क्योंकि एक्ट करने से पहले आपको सोचना पड़ता है। जैसा सोचोगे वैसा ही एक्ट करोगे। कुछ देर के लिए प्रिटेंड कर सकते हो फिर वापस अपने जोन में चले जाओगे, कंफर्ट जोन में, अपने बेसिक नेचर में। तो थॉट्स पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, एक्शंस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन दोनों चीजों को बदलना भी जरूरी है क्योंकि इसके बिना बदले काम भी नहीं चलने वाला। तो क्या करें? इनपुट को बदल दो। अब तक आपने कुछ गलत देखा है, कुछ गलत सुना है, जिसकी वजह से आपने कुछ गलत बोला है और कुछ गलत किया है, कुछ गलत सोचा है। तो अगर आपने कुछ गलत ना देख करके, कुछ गलत ना सुन करके कुछ अच्छा देखना शुरू कर दिया और कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दिया तो क्या होगा? आप नहीं भी चाहोगे तो आपके माइंड में उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे।
आप नहीं भी चाहोगे तो आपके माइंड में वैसे ही थॉट्स आएंगे, और जैसे थॉट्स आ रहे होंगे वैसी ही आप बातें कर रहे हो, वैसे ही एक्शन चल रहे होंगे. सो अब तक मैंने जो कुछ भी कहा आज के सेशन में, जो कुछ भी, अगर उसको समअप करना हो तो वो क्या है? बहुत सिंपल है. अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, जिससे कि आप कुछ अच्छा बोल सको और कुछ अच्छा कर सको, जिससे कि आप कुछ अच्छा बन सको.